स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर की खबर के साथ, जहां पेशाब कांड का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। पीड़ित के साथ 12 से ज्यादा युवकों ने मारपीट की है और मारपीट के बाद दबंगों ने उस पर पेशाब भी किया है। गोरखपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र का, जहाँ 12 से ज्यादा लोग यहाँ इस वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बेरहमी से युवक को पीटा है, मारपीट करने के बाद उस पर पेशाब भी की है। बर्बरता इस वीडियो में इन युवकों की दिखाई दे रही है। 12 से ज्यादा युवक हैं जो एक युवक को घेर कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और मारपीट करने के बाद वो उस पर यूरिन कर देते हैं। अब इस वीडियो के सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। पहले पहचान कौन है, ये मामला क्या है, क्यों युवक के साथ इस तरह की ज्यादती की गई, सब कुछ जानने की कोशिश, तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। पवन पटेल जबलपुर से हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, पूरी बात बताएं, कब का ये वीडियो है, क्या कुछ जानकारी पुलिस अब तक हासिल कर पाई है? जी बिल्कुल अपर्णा, ये पूरी घटना जो है 19 तारीख की शाम की है, जिस युवक के साथ में ये बर्बरता की गई है उसका नाम रवि प्रजापति है, जो टिफिन सेंटर चलाता है। उसके पास कोई हॉस्टल से फोन आया था, जिन्होंने कहा कि हम रक्षाबंधन में घर जा रहे हैं, पेमेंट ले लो। तो रवि पेमेंट लेकर के वापस लौट रहा था अपने घर की तरफ, तभी रास्ते में कुछ बदमाश युवक उसे मिले, जिन्होंने उससे अवैध रूप से पैसों की मांग की और जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसके साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद में उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि जो बदमाशों ने मारपीट की है वो क्षेत्र के कुख्यात बदमाश हैं, जिनके खिलाफ पुलिस पहले भी मामले दर्ज कर चुकी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ना सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि एक युवक के साथ सरेराह बाथरूम भी उसके ऊपर कर देते हैं, उसके ऊपर पेशाब करते हैं और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का भी प्रयास किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक से भी हमने बात की, उसका कहना है कि उसके पैसे छीन लिए, तकरीबन 15,000 रुपए, 2 तोले की चेन जो वो गले में पहना था वो भी छीन के ले गए बदमाश और उसके साथ मारपीट भी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित युवक को भरोसा दिलाया गया है कि उसके साथ न्याय होगा। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण का वीडियो सामने आया है तो हड़कंप मच गया। उफनती नदी को यहां पर ग्रामीण पार कर रहे थे बड़वानी से, ये डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिया यहां पर नहीं है, ऐसे में उफनती नदी को पार करने को मजबूर है ग्रामीण। ये वीडियो सामने आने से अब हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, आप नदी में फ्लो देख सकते हैं। इसी उफनती नदी को इस तरह से यहाँ पर पार कर रहे हैं लोग, कोई मोटर बाइक पर सवार है, कोई पैदल ही यहां से निकल रहा है। यहां पर पुलिया नहीं है जिसकी वजह से ग्रामीण इस तरह से रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पकड़ पकड़ भाई, पकड़ 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 पकड़। ये गाड़ी चले गई, चले गई, चले गई, चले गई। देख सकते हैं पानी का उफान कितना है, पानी में बहाव कितना तेज है, जो बता रहा है कि इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर ये रास्ता पार कर रहे हैं ये ग्रामीण।